मैं हूं आप ही हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। क्रेशर मालिक के घर आईटी रेड, 1,20,00,000 सीज। कुमार स्वामी की मुलाकात, पुरानी बातों को भूलकर इस बार दे हमारा साथ। ईश्वर अप्पा के प्रोग्राम में बिरयानी का नुकसान। संयुक्ता पाटिल को अपनी जीत का पूरा विश्वास। सीएम सिद्धरामैया के कार की गई चेकिंग। टिकट की बात को लेकर स्टूडेंट पर हमले का आरोप, मामला दर्ज। कार में बैठी महिला के साथ झगड़ा, हालात बिगड़ते देख पुलिस की मांगी मदद। सड़कों पर आवारा गुंडों की गुंडागर्दी, बाइक से कार को टकरा कर होते हैं फरार। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। चलती हुई इलेक्ट्रिक बाइक में आग, पल भर में हुई जलकर राख। अब खबरें विस्तार से। क्रेशर मालिक के घर आईटी रेड, 1,20,00,000 सीज। राज्य का सरहदी इलाका होसोरू में क्रेशर मालिक लोकेश के घर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड की तो टैक्स चोरी और गैर कानूनी जायदाद के चलते 1,20,00,000 नकद रुपया, 800 ग्राम सोने के जेवरात जब्त किया है पुलिस ने, जो भैरती बसवराज के करीबी साथी के दामाद लोकेश क्रेशर मालिक को 3 दिन पहले ही 10,00,000 रुपयों के साथ पकड़ा गया था। ज्यादा शक के चलते लोकेश के घर पर आईटी अधिकारी विष्णु प्रसाद के नेतृत्व में की गई इस छापामारी में इतनी बड़ी रकम और सोना मिला है पुलिस को। कुमार स्वामी और सोमलता की मुलाकात, पुरानी बातों को भूलकर इस बार दे हमारा साथ। मंडिया लोकसभा इलेक्शन बीजेपी जेडीएस दोस्ती के उम्मीदवार कुमार स्वामी तो पिछली बार की आजाद उम्मीदवार सांसद और इस बार बीजेपी टिकट मिलने की उम्मीद में बैठी सोमलता अमरीश के टिकट न मिलने से नाराज इस नेता को मनाने पहुंचे खुद कुमार स्वामी। आज अपनी और कुमार स्वामी से हुई मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सोमलता ने कहा कि बातचीत तो हुई है, कुमार स्वामी ने पुरानी बातों को छोड़कर इस बार साथ देने को कहा है। इस पर 3 अप्रैल क्षेत्र की जनता से बात करके फैसला लूंगी कि अगला कदम क्या होगा, कहा सोमलता अमरीश ने। ईश्वर अप्पा के प्रोग्राम में बिरयानी का हुआ नुकसान। पूर्व बीजेपी मंत्री और मौजूदा बागी आजाद शिमोगा के लोकसभा उम्मीदवार ईश्वर अप्पा के चुनावी प्रचार सभा के दौरान वोटरों को लिए बनाई गई बिरयानी पर पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड ने की छापामारी। चुनाव नीति संहिता का उल्लंघन होता देख रेड करके वोटरों के पेट में जाने वाले मजेदार बिरयानी को ही कर दिया सीज। इलेक्शन के दौरान वोटरों को लालच और खाना खिलाना अपराध बताते हुए शिमोगा के बयंदूर के उपेंद में ये कार्रवाई की इलेक्शन ऑफिसर्स ने, जिससे बिरयानी का इंतजार करके मायूस लौट गए वोटर्स। संयुक्ता पाटिल को अपनी जीत का पूरा विश्वास। बागलकोट में कांग्रेस उम्मीदवार संयुक्ता पाटिल का जोरदार प्रचार वीना काशपनवर की नाराजगी के बीच मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। जिला के बिलगी में कांग्रेसी नेता जेटी पाटिल के साथ हुई प्रचार सभा में संयुक्ता पाटिल ने कहा कि मेरा लक बहुत अच्छा है, मेहनत और आपका आशीर्वाद रहा तो मेरी जीत पक्की है। बचपन की एक बात याद करते हुए कहा कि मुझे बड़ी होकर क्या बनोगी का सवाल पूछने पर देश की प्रधानमंत्री कहती थी, कहा संयुक्ता पाटिल ने। सीएम सिद्धरामैया के कार की गई चेकिंग। कोलार में एक शादी की तकरीब में जा रहे राज्य के सीएम सिद्धरामैया की कार की जांच करके इलेक्शन के रूल्स फॉलो किए चुनाव अधिकारी और खुद राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने कार का हर एक हिस्सा चेक करके अपनी ड्यूटी निभाई पुलिस अधिकारियों ने।
टिकट की बात को लेकर स्टूडेंट पर हमले का आरोप मामला दर्ज। बेंगलुरु के बीएमटीसी बस जो बेलंदू से सरजापुर मार्ग पर चलने वाली बस में टिकट को लेकर स्टूडेंट कमरुल के साथ बहस और तकरार, जबकि टिकट चेकिंग इंस्पेक्टर जहां से बस में सवार हुआ था, मैं भी आप ही के साथ बस में सवार हुआ हूं, टिकट कैसे ले सकता हूं इतने जल्दी, इतना कहना था कि स्टूडेंट पर हमला, घायल कमरुल मणिपाल हॉस्पिटल में दाखिल करवा रखा है इलाज। इस मामले के चलते बीएमटीसी के इस टिकट चेकिंग कंडक्टर के खिलाफ शिकायत की है इस लड़के ने पुलिस थाना में ईमेल के जरिए। कार में बैठी महिला के साथ झगड़ा, हालात बिगड़ते देख पुलिस की मांगी मदद। बेंगलुरु की सड़कों पर अनोखा मामला। कार इंडिकेटर की छोटी सी बात पर बाइक पर जा रहे तीन बदमाशों की गुंडों जैसी हरकत। महिला को कार में देख चलती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश, पीछा करके खौफ के हालात पैदा करने से घबराई महिला ने चलती कार से ही फोन करके कार का लोकेशन, बाइक पर सवार बदमाशों की गाड़ी का नंबर बताते हुए फौरन मदद करने की फरियाद लगाने का वीडियो वायरल होने से कितने सुरक्षित हैं लोग इस पर उठे हैं सवाल नज़ारे को देखकर। सड़कों पर आवारा गुंडों की गुंडागर्दी, बाइक से कार को टकराकर हो जाते हैं फरार। बेंगलुरु की सड़कों पर इन दिनों नई गुंडागर्दी चल रही है। चलती कारों को ट्रिपल राइडिंग करते हुए जानबूझकर कारों को टक्कर मार के डैमेज करने का नज़ारा कैमनहल्ली के इलाके में हुआ। पूछने पर हमले के लिए आते हैं या नाबालिग लड़के, चोरी ऊपर से सीना जोरी। बानसवाड़ी पुलिस थाना लिमिट में हुआ ये मामला, दो कारों को नुकसान करके फरार बदमाश, मगर अब तक नहीं हुआ इन पर कोई केस दर्ज। कांग्रेस को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कांग्रेस को 3,500 करोड़ टैक्स अदा करने के जारी इनकम टैक्स की नोटिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन खत्म होने तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिससे कांग्रेस पार्टी को राहत देते हुए 3,500 करोड़ की वसूली पर पाबंदी लगाकर कोर्ट ने केंद्र सरकार की इनकम टैक्स विभाग को डायरेक्शन दी है। कल हुई इंडिया अलायंस की महारैली में इस मुद्दे पर इलेक्शन के दौरान तमाम पार्टियों को देह प्रचार के लिए बराबर का अधिकार का कहा था नेताओं ने। चलती हुई इलेक्ट्रिक बाइक में आग, पल भर में हुई जलकर राख। उड़पी के ब्रह्मावर आकाशवाणी के करीब चलती हुई इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग दिखाई देने से बाइक सवार जान बचाकर हुआ फरार, तो पल भर में आग की लपेटों से बाइक हुई जलकर तबाह। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।